बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ मैं ठीक हूँ और दुआ का था भाई भी सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसे सब लोगों को पता है, गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है। तो कोरोना वायरस की वजह से हर आदमी फारग है, कोई भी काम नहीं है सवाए टाइम पास के। तो ऐसे में हर कोई चाहेगा फसल काटनी, गंदम की फसल काटनी हर कोई चाहेगा। तो ये तो सबसे ज़रूरी है, काम बंद हो जो या ना हो। तो खाना पीना सबसे लाजमी है। तो गंदम की फसल की कटाई होने वाली है, तो मैं आज आप लोगों को वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर आज से तकरीबन एक माह के पहले या उससे कम बहुत बहुत ज़्यादा हरियाली और बहुत ही खूबसूरती थी। तो वहाँ पर जाता हूँ मैं, तो आप लोगों को बताता हूँ वहाँ की सूरत हाल अब कैसी है, क्योंकि गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है। जब मैंने पहली वीडियो वहाँ बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा फसल बिल्कुल छोटी थी गंदम की, तो अब तो फसल बिल्कुल तैयार है ना। तो वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर जाकर। ये वो जगह है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। मैं पहले की जो एक दो फोटो है मेरी वो भी बता देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो भी बताता हूँ मैं यहाँ की। जो मैंने आज से तकरीबन एक महीने के करीब जो वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो बताता हूँ आपको थोड़ी सी। तो वैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो जो मौसम खूबसूरती का है ना वो बिल्कुल जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये रोड पर अगर बारिश पड़ती हल्की या ज़्यादा तो मौसम कैसे बदलता। देख सकते हैं आप, फसल बिल्कुल तैयार है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं जी, ये देखो ये देख सकते हैं आप, फसल तैयार हो गया है। दाने जो है ना गंदम के बिल्कुल पक गए हैं। तो कुछ लोग तो कटाई करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोग रहते हैं जो कि कटाई करने वाले हैं। तकरीबन 10-15 दिन में तकरीबन ये सभी जो है ना खेत पूरी तरह से खाली होंगे। कुछ फसलें जो के बाद में है ना उगाई गई है वो बस बची हैं पकने को, बाकी टोटल फसलें जो है ना बाकी वो पकी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये सभी फसलें जो है ना, सारी की सारी जो है ना गंदम की फसल वो बिल्कुल तैयार है। जो फसल बिल्कुल तैयार है तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जब फसल की कटाई होगी, तो उसके बाद देखेंगे। क्योंकि ये सारी जगह जो है ना, ये सारी जगह खाली होगी, बिल्कुल फसल कटेगी तो सारी जगह खाली होगी। तो फसल कटेगी तब आप लोगों को फसल कटने की और यहाँ तक के आपको आटा बनाने तक पूरी वीडियो मुकम्मल बनाएंगे हम वहाँ इस फसल गंदम की फसल की कटाई की। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, बाबर हुसैन को विलेज पंजाब टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।